अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल 70 mm विद असद। व्यूअर्स, आज से 40 साल पहले 1983 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हीरो। हीरो और हीरोइन, फिल्म का नाम था हीरो, उसमें जो हीरो थे और हीरोइन थी, दोनों की सेकंड मूवी थी। हीरो जो थे जैकी शरफ जी थे, हीरोइन थी मीनाक्षी, और उसमें और भी बड़े बड़े अदाकार थे। शमी कपूर जी थे, संजीव कुमार थे, शक्ति कपूर थे, और अपना अमरीश पुरी जी थे। फिल्म का बजट था 1.25 करोड़ रुपये। 1.25 करोड़ रुपये की फिल्म बनी। अब हुआ ये कि लोगों ने बोला कि भाई ये जो डायरेक्टर हैं सुभाष घई जी, इनके पैसे डूब गए। बोला फिल्म अच्छी नहीं होगी, ये होगा, बड़ी अफवाहें उड़ी। फिल्म जो है सुपर टुपर हिट गई। गाना याद है आपको, वो बंसरी जो याद है, ठीक है, हर बच्चे यानी कि जो उस टाइम पे थे, जवान थे, ठीक है, बच्चे जवान भी कहेंगे आप, जवान भी कह सकते हैं, छोटे बच्चे, उनके हाथ में बंसरी होती थी, वो गली गली थड़ों पे बैठ के बंसरी बजा रहे होते थे, और अपना साइकिल पे बैठे हुए बंसरी बजा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम साइकिलें होती थी, मोटरसाइकिल का दौर नहीं था, किसी किसी के पास साइकिल होती, सॉरी मोटरसाइकिल होता था, 70, वो भी काले रंग का। बात कर रहा हूँ मैं हीरो फिल्म की। फिल्म सुपर डुपर कैसे हो गई कि शुरू शुरू में फिल्म जो है ना नहीं चली। सुभाष घई जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कहते हैं ना हीला और वसीला। उसके साथ यानी 1983 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी सुपर स्टार जी की, बच्चन जी की, कुल्ली। उसका बजट था 3 करोड़ रुपये। कुल्ली जो है, कुल्ली ने जो है ना सलमाओं पर लगी हुई थी, इंतहाई देने के करें कि आप कहें कि रश पकड़ा हुआ था, कुल्ली ने इंतहाई दर्जे का रश पकड़ा हुआ था, ठीक है। कुल्ली का ये सीन देखें, हुआ कुछ इस तरह, ये सीन आप देखें, ये बच्चन जी को इस सीन में चोट लगती है उनको, ठीक है, एक पंच लगता है इसका इनका यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको जो है ना चोट लग जाती है उनको काफ़ी। फिर इसके बाद ये जो फेंक उठा के फेंकता है ये कुर्सी उस पर, टेबल पे, तो टेबल पे भी कोना इनका लगता है। बाकी ये सीन जो है ना, बीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे, तकरीबन कोई 6 महीने से 9 महीने लगे थे, उसके बाद के सीन है। तो लोगों ने बड़ी दुआएं मांगी थी, इवन हमने भी दुआएं मांगी थी कि ठीक हो जाए, क्योंकि हमें भी छोटे थे, हम बड़ा पसंद था बच्चन जी, बड़े पसंद थे हमें भी, हमारे बड़ों को भी बड़े पसंद थे, हर जगह बच्चन जी का चर्चा था। लोग गाँव से आते थे जो है ना अपना फिल्में देखने के लिए। खैर वहाँ तो रुझान अभी भी है कि रात को जो है इंडिया में भूखे सोते हैं लेकिन फिल्म ज़रूर देखते हैं, इस वजह से तो उनकी जो है ना इंडस्ट्री कामयाब है। और तो क्या हुआ कि लोगों को जो है ना दुआएं बच्चन जी की मांगना, ये वो, तो उसमें उस फिल्म को भी जो है ना जब ठीक हुए तो फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों ने जो है ना तबाही मचा दी, अंत मचा दी। उसको देखने के लिए लोग जो है ना, फिल्म सुपर डुपर हो गई भाई। कुल्ली 18 करोड़ रुपये का बिजनेस किया कुल्ली ने, 3 करोड़ रुपये यानी इनका बजट था, 18 करोड़ से ऊपर का इन्होंने बिजनेस किया, यानी सुपर डुपर गई। अब लोग जो गांव से आते थे तो जब देखते थे इनको टिकट नहीं मिल रहा है, मायूस हो जाते थे, क्या करें, तो क्या कहते थे, वापस गांव जाने से बेहतर है, कहीं दूसरे शहर जाने से बेहतर है, चलो यार कौन सी फिल्म लगी अगले साल में, हीरो लगी हुई है जी, चलो हीरो देख लेते हैं। इस तरह मैंने कहा ना हीला और वसीला, तो लोग हीरो देखने लग गए, वापस निकलते तो बोलते थे यार अच्छा ज़बरदस्त है भाई, लव स्टोरी है, बड़ी अच्छी फिल्म है। इस तरह करते करते कुल्ली की बदौलत हीरो भी टॉप पे चली गई। यानी 1.25 करोड़ का बजट था तो इसने कमाए 8.25 करोड़ रुपये, 60 करोड़ रुपये उन्होंने 7 करोड़ रुपये का जो है ना प्रॉफिट दिया। इस तरह जो है ना हीरो कामयाबी कुछ हुई, और मीनाक्षी जी हो गई और जैकी शरफ जो हैं, इनके फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। तो हीरो का आपने सीन देख रहे थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था हीरो का सीन और कुल्ली का सीन। तो उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन्होंने कुल्ली नहीं देखी वो कुल्ली ज़रूर देखी, जिन्होंने हीरो नहीं देखी वो हीरो भी ज़रूर देखी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।